नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में आज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। तो इस दौरान सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। क्या खबर आने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों पेंशनरों के लिए की बड़ी घोषणा। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियाँ शामिल हुईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने नीतिगत फैसले लेते हुए एक ही साल में 2,200 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। कहा, राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, इसमें समय लगेगा। कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर परिवार को बसाना हमारा कर्तव्य है। बरसात खत्म होने के बाद इन परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। उपचुनावों का आर्थिक बोझ डाला गया, विकास की गति रुकने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने धनबल को हराकर जनबल का परचम लहराया। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश के समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष में 75 साल के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पूरा ऋण दिया जाएगा। कहा कि अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य की विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा व अक्षम माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। साथ ही इनके बच्चों को PhD तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हॉस्टल न मिलने की स्थिति में PG में रहने के लिए 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पोंग बांध विस्थापितों के दावों का निपटारा प्राथमिकता पर किया जाएगा। तो ये रही बड़ी खबर की कांगड़ा जिला के देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम सुक्खू ने शिरकत की। तो कर्मचारियों पेंशनरों के लिए इन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। तो ये रही बड़ी खबर। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।